हम देखिए आए हैं झारखंड में, झारखंड का जब नाम आता है, बिहार का नाम आता है, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का नाम आता है, क्षेत्र में दूर दराज के रांची के नामकुम क्षेत्र में, झारखंड का एक ग्रामीण इलाका, उस क्षेत्र में जिस पतंजलि की आलोचना लोग करते हैं, उस पतंजलि ने एक आचार्य कुलम खोला है। और इस आचार्य कुलम में जो बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जाती है, उसमें कैसे लोगों को सनातनी बनाया जाता है, आप उसको देख सकते हैं। ये हमारे सामने एक 8-9 साल की बच्ची है, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची है। बेटा क्या नाम है आपका? आद्या विश्वकर्मा। ये जो आद्या विश्वकर्मा बेटी है, इसको पूरी गीता याद है। बेटी गीता सुनाओ। 15वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवालः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्य लोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। नान्तो न चागेन च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण तः पदं तत् परिमार्गितव्यं। यस्मिन् गतानानि वर्तन्ति भूयः तमेव साध्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। बहुत अच्छा बेटा, आपको पूरी गीता याद है। और उपनिषद कितने याद हैं? उपनिषद मुझे 5 याद है। और ये देखिए, भारत में अगर जब 8-8 साल के बच्चे पूरी गीता याद करेंगे तो भारत के सनातन को कोई डिगा नहीं पाएगा, भारत की सनातन संस्कृति को कोई हिला नहीं पाएगा। तो ये यहाँ पर सीख रहे हैं। ये बेटा अथर्व है, ये भी 9 साल का है, ये तीसरी कक्षा में पढ़ता है, इसने भी पूरी गीता याद, चौथी कक्षा में पढ़ता है, और पूरी गीता याद की है और पूरे उपनिषद याद किए हैं। बहुत अच्छा बेटा, कुछ सुनाओ बेटा, उपनिषद सुनाओ आप, गीता इन्होंने सुनाई है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीखामामृधाकस्य सिद्धनम्। ये सब आचार्य कुलम के बच्चे हैं। ये आचार्य कुलम रांची में खुला हुआ है, इस रांची के आचार्य कुलम के ये बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को, जिनको गीता, वेद, दर्शन, उपनिषद सब याद है, अगर हमारे बच्चे ऐसे याद करेंगे तो कोई इनको ईसाई नहीं बना पाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये देखिए, ये उपनिषद के मंत्र हैं। जी बेटा क्या नाम है? अक्षत आपका? जी बेटा सुनाइए। 9 उपनिषद बेटे अक्षत को पूरे याद हैं, गीता भी याद की है, अभी उपनिषद सुनेंगे। आपको उपनिषद सुनाइए, कठोपनिषद सुनाइए। अथ कठोपनिषद। अथ प्रथमोऽध्यायः। अथ प्रथमावल्ली। ओम उषन् हवै वाजस्रवसः सर्ववेदसंददौ। तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आसः। तं कुमारं सन्तं दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेशसो मन्यत। पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहानीन्द्रियः। अनन्दा नाम ते लोकात् तांस गच्छति दादत। स होवाच पितरं पुत कस्मै मां दास्यतीति। द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवे त्वा ददामिति। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः। किं स्वीत्यमस्ति कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये हमारी बेटी का क्या नाम है? मनस्नी। मनस्नी, तो मनस्नी कौन सी कक्षा में हो बेटा? 8वीं। 8वीं में। तब कितने साल की आयु होगी बेटा आपकी? 30। अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपने क्या क्या याद किया बेटा?
संपूर्ण गीता और नौ उपनिषद। बहुत अच्छा, ये देखिए बच्चों को गीता और उपनिषद याद है। अब झारखंड में, रांची में, दूर दराज के नॉर्थ ईस्ट में कोई व्यक्ति आकर ऐसा काम करेगा कि बच्चों को गीता, वेद, दर्शन, उपनिषद याद करवा दे, तो बेटा गीता सुनाओ, शुरू से सुनाइए। ओम श्री परमात्मने नमः अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, बहुत शाबाश। ये देखिए, ये एक एक बच्चे एक एक गुरुकुल चलाएंगे, एक एक राष्ट्र को, एक एक राज्य को बचाने का काम, वेद दर्शन उपनिषद को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और वेद पाठ, सस्वर वेद पाठ, ऋग्वेद का पाठ। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। तो इन सब बच्चों को गीता, उपनिषद सारे याद हैं, और इसके साथ साथ वेद के भी बहुत सी वेद की ऋचाएं याद हैं। ये आचार्य कुलम चल रहा है रांची के क्षेत्र में, और ये काम केवल पतंजलि कर सकता है।